हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। आज आपका है 24 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम जो है समाप्त हुआ है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसा गया एग्जाम, पूरा पेपर को एनालिसिस करेंगे और किस टाइप से आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है। कैसा गया आपका एग्जाम? एग्जाम ठीक गया, ठीक ठाक गया, ठीक गया। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 81 किए हैं। अच्छा, पेपर लेवल कैसा था? ना ज़्यादा कमज़ोर ना ज़्यादा मीडियम था, थोड़ा सा जी का जीएस थोड़ा हार्ड था। अच्छा, मैथ रीजनिंग ठीक था। कुछ क्वेश्चन याद है क्या आपको? हाँ, वही देखो क्वेश्चन आया था कि कौन चतुर्भुज है, चार को मतलब उसमें वृत्त भी था, इसीलिए ऑप्शन वृत्त कटेगा उसी से। अच्छा, आपका कैसा गया एग्जाम? एग्जाम मीडियम गया है। मीडियम गया है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 65 किए हैं। 65 अटेम्प्ट जी। कुछ क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन जैसे स्क्वायर लेवल पर था, हो गया 28 का स्क्वायर था, फिर 35 का स्क्वायर था, प्लस दिया हुआ था 33 का रूट में दिया हुआ था, इसको आवाज़ करके निकालना था हमको। अच्छा, कैसा गया आपका एग्जाम? कैसे गया? दो बार जाने दीजिए सर। तो कौन सा चैनल है सर? कौन सा चैनल है? एमजी मनीष गुरु है। एमजी मनीष कोई सर देखते हैं। कैसा गया आपका एग्जाम? ठीक ठाक गया। ठीक गया। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 60 किए हैं। तो कुछ मतलब परसेंटेज का कैसा, अटेंडेंस परसेंटेज कैसा? लगभग लगभग 80% लोग प्रेजेंट। 80% लोग आया था। हाँ, सुबह वाले में बहुत कम स्टूडेंट आए थे, इसीलिए सुबह वाले में नहीं, अभी तो 80% प्रेजेंट लोग। कुछ क्वेश्चन आपको याद है क्या? कुछ क्वेश्चन तो याद है। मैथ रीजनिंग बहुत ही ईजी था, और थोड़ा करेंट अफेयर और साइंस और जीके का क्वेश्चन थोड़ा टफ, थोड़ा डीपली पूछा गया है, बट रीजनिंग और मैथ बहुत ईजी पूछा गया था। बहुत आसान। और बताइएगा। और ओवरऑल तो मज़ा आया एग्जाम देने में। मज़ा आ गया एग्जाम देने में, मज़ा आया। तो ये बताइए कि जैसे करंट अफेयर से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? करंट 2022 से रिलेटेड करंट दिया गया, मतलब इधर जो है 22 से मतलब जनवरी से लेकर के। हाँ। और जनवरी नहीं, अब ये मतलब मानिए कि 20 और 21। हाँ। 21 और 22 ये अभी जो गैप है उतना बीच में पूछा गया क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, साइंस का जैसे कि बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन? हाँ, बायोलॉजी से एक दो क्वेश्चन था। हाँ, बायोलॉजी से दो क्वेश्चन था। दो क्वेश्चन था। क्वेश्चन थोड़ा सा याद है क्या आपको? क्वेश्चन तो उतना याद नहीं है, क्वेश्चन उतना याद हमको नहीं है। कैसा गया आपका एग्जाम बताइएगा? बहुत अच्छा गया। अच्छा गया। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 69 किए। बोले कुछ क्वेश्चन आपको याद है क्या? हाँ, बोलिएगा। बोला, पूछा था कि साइंस में ऊर्जा का उपयोग करते हुए माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब विखंडन जो होता है ऑक्सीकरण के रूप में, वो क्वेश्चन था। दूसरा था, एक सिलेंडर दिया है जिसका कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। और क्वेश्चन था ये क्या बोलते हैं, ये एगो मतलब ये भी बराबर आई आर ओम का था, प्रतिरोध आर दिया था, उसका श्रेणी क्रम में संयोजित था 6 ओम और 2 ओम, तो उसका निकालना था वो प्रतिरोध। और एक और था उसका मतलब कि भी नहीं आई आर दिया था, तो उसका निकालना था ये भी, इस तरह करके क्वेश्चन था। करंट अफेयर से कैसा क्वेश्चन था? करंट हमको समझ में नहीं आया कि इस तरह था। करंट नहीं समझ में आया, रीजनिंग इस तरह का था। रीजनिंग अच्छा था, कोडिंग डिकोडिंग का था, और उसका जो था मतलब परिवर्तित नाम नहीं होता, जैसे कि कुछ संख्या दिया हुआ है, बोला उसको आरोही क्रम में सजा देने के बाद वो कितने संख्या ऐसा है जो कि परिवर्तित हो जाएगा, या फिर कितना ऐसा है जो कि उसी जगह फिरेगा स्थान पर। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था क्या? हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट से था। सीटिंग अरेंजमेंट से था, वो कतार में नहीं होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर, बाएँ से उत्तर, ये था मतलब लगभग 5-6 क्वेश्चन था, सब बन गया उसका, इजी क्वेश्चन था। हमको क्या पता अभी रिजल्ट हो जाएगा, हम जितना बनाए लगभग अच्छा बनाए। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? 69 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जब मैथ्स का लेवल कैसा लगा आपको? मैथ का लेवल ठीक है, वही मतलब 2-3 को ऐसा था जो कि मतलब थोड़ा सा टाइम लेने वाला था। हाँ, आपका बोर्ड कौन सा है? बस्टन मुंबई अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद बोर्ड है आपका। अच्छा, और रीजनिंग के लिए जैसे सामने जिन लोगों का एग्जाम है क्या करना चाहते हैं, कहाँ से क्वेश्चन कॉमन पड़ा या क्या तैयारी करें? और साइंस तो प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर से आना शुरू हो गया, वही था एकदम। और वो मतलब ये नहीं आता है गलनांक, जिसका जैसे कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च कथनांक क्यों होता है, ये था उसके छाटना था सही गलत। और दूसरा था साइंस में, एक और था क्योटो प्रोटोकॉल मतलब CFC जो किया गया था। बताना चाह रहे हैं आप चैनल के माध्यम से, ये बताइए कि आपसे जो जूनियर स्टूडेंट है जो नए तरह से तैयारी करेंगे, किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे, बताइए आप। ठीक ही बता रहे हैं, बताइए जो प्रीवियस ईयर क्या बोल रहे थे। साइंस का तो प्रीवियस ईयर का लगभग मतलब अच्छा मैच हो रहा है जो पढ़ रहा है, और जो डिटेल पढ़ेगा साइंस उसी से बनेगा, क्योंकि साइंस जो था डीपली पूछ रहा है छांटने वाला। और एक और था कि अभी तक आधुनिक आवर सारणी में कितना तत्व है जो कि प्रयोगशाला में मान्य दिया गया है, मतलब आवर प्रोडक्ट टेबल से भी पूछ रहा है क्वेश्चन। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन? नहीं, रासायनिक अभिक्रिया से भी क्वेश्चन नहीं था। दर्पण और लेंस से ऐसा कुछ? दर्पण हाँ एगो था, जो कि किसका उपयोग अवतर मतलब सौर संग्राहक के रूप में किसका किसका प्रयोग किया जाता है, वहाँ से क्वेश्चन था। हाँ, किसका? बायोलॉजी का क्वेश्चन था क्या? बायोलॉजी का क्वेश्चन बोले तो एगो माइटोकॉन्ड्रिया वाला था, और किसमें, हाँ, और था कि मतलब ये छाटने वाला था कि किसमें जैसे कि
और बताइए कुछ कार्य ऊर्जा शक्ति से कुछ हाँ, कार्य ऊर्जा से था तो क्वेश्चन कार्य ऊर्जा से था कि मतलब एक टंकी मतलब दो आदमी मिलके कार्य पाइप टंकी से था और कार्य समय से था तो एगो में था पाइप टंकी में दो आदमी भरने का कार्य करता है एगो खाली करता है तो कुल कितना दिन में होगा हाँ और एगो और टाइप इजी था और एगो था कि ए बी का जो था 3:5 और 6 दिन में कर लेता है टंकी का क्षमता 1000 है तो 1200 या कितना था फिर वो कितना दिन में करेगा एडवांस में से कितना क्वेश्चन था एडवांस मैथ से तुमको नहीं समझ में अच्छा तो क्वेश्चन था हाँ एगो साइन थीटा कॉस थीटा से था साइन थीटा कॉस थीटा हाँ और ये मेंसुरेशन चैप्टर से मेंसुरेशन हो गया कहने का मतलब जो वॉल्यूम वाला आयतन निकालना जाता है हाँ बोले तो एक क्वेश्चन आया था सिलेंडर एक क्वेश्चन सिलेंडर से हाँ अच्छा ओवरऑल पेपर को कैसा कहा जाए कैसा था आपका पेपर हार्ड था या इजी था ठीक था क्वेश्चन हार्ड नहीं था ठीक था क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन कॉमन पड़ रहा है हाँ साइंस का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आ रहा है क्वेश्चन हाँ नहीं सब तो कहते हैं कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं नहीं आ रहा है प्रीवियस ईयर में भी जो डीप पड़ेगा ना डिटेल हाँ। उसका हो जाएगा मतलब वो बना मार सकते हैं अपना अच्छा से मतलब जो डीपली इसके लिए हाँ, करना पड़ेगा तब हो जाएगा हाँ और अटेंडेंस कैसा था आपका क्लास में अटेंडेंस बहुत कम था बहुत कम हम बहुत सीट खाली था बहुत सारा सीट खाली था ओवरऑल आपका पेपर ठीक है कितना अटेंड बोले आप 69 बोले है ना धन्यवाद बहुत अपना कैसा गया आपका एग्जाम एग्जाम अच्छा गया थोड़ा क्वेश्चन पेचीदा था थोड़ा अच्छा टाइम कैलकुलेटिंग क्वेश्चन था कैलकुलेटिंग था हाँ मतलब स्केट पावर क्वेश्चन नहीं था मतलब कहीं का फिर थोड़ा पीछे से पूछा गया था वही रीजनिंग भी थोड़ा था मतलब डीप स्टडी चाहिए था इसलिए कुछ क्वेश्चन आपको याद है क्या हाँ वही साइंस से था मतलब ये मतलब बताएगा हमको कि टोटल 118 एलिमेंट है उसमें से कितना एलिमेंट जो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम हाँ लेबोरेटरी में बनाया गया उसको अच्छा और कुछ केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का था हाइड्रोजन से क्वेश्चन था याद नहीं आया कंफर्म बता देंगे धीरे धीरे थोड़ा याद कीजिए देखिए कि क्या याद है और बायो अच्छा बायो से क्वेश्चन था बायो से क्वेश्चन ये था कि मतलब जो गिल होता है ना गिल द्वारा गांधी द्वारा कौन सा जीव सांस लेते हैं हाँ मतलब आसपाइए कल अच्छा हाँ और करंट अफेयर्स कहाँ से करंट अफेयर से बहुत पीछे से पूछा था 2021 से 22 से भी था 2021 से क्वेश्चन पूछा था लेकिन याद नहीं था बहुत अजीब क्वेश्चन करंट अफेयर था मतलब हमको भी ध्यान नहीं है अच्छा कुछ मैथ्स का लेवल आपको कैसा लगा मैथ बहुत इजी था कितना क्वेश्चन सॉल्व किया मैथ्स का टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था लगभग 25 बना दिए थे 25 और रीजनिंग में से कितना सॉल्व किया रीजनिंग बना दिया 30 बना दिए थे 30 बना दिए हाँ अच्छा तो ओवरऑल पेपर को कैसा कहा जाए आपके हिसाब से कैसा गया पेपर मैं तो मोगेट का थी मोगेट क्वेश्चन था अच्छा मतलब डिफिकल्टी था समझिए मोगेट एवरेज बता गए कि था मतलब हम कम पढ़े थोड़ा इसलिए हम अपना आंसर बता गए लेकिन क्वेश्चन कब था ऐसा बात नहीं था एसएससी का प्रिपरेशन कर गए तो कब था कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया था क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी से एक एक क्वेश्चन आया था कुरान से जो कुरान से क्वेश्चन आया था अच्छा और कुछ क्वेश्चन याद है क्वेश्चन तो याद नहीं है ज़्यादा आपको बता सकते नहीं याद ज़्यादा क्योंकि अभी 10 मिनट के बाद याद बता देगा अभी एग्जाम देखने निकला है कोई बात नहीं सोचिए आप सोचिए थोड़ा सा कैसे गया ठीक है आइए कैसा गया आपका एग्जाम बढ़िया गया है बढ़िया गया है कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सॉल्व देखिए वैसे तो 65 सॉल्व किए हैं तो 50-50 जो था 5 में 50-50 लगा दिया है 50-50 हाँ कुछ क्वेश्चन आपको याद है जी वो याद है जैसे कि मैथ में था आपको एज से 100 नंबर क्वेश्चन था अंतिम नंबर क्वेश्चन मेरा वही था एज से था कि पिता का आदि पुत्र का यही था क्वेश्चन कि पिता का आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी है और 3 वर्ष बाद और बताइए कुछ क्वेश्चन आपको याद है तो आपका कैसा गया एग्जाम सर इजी गया सर कितना क्वेश्चन सॉल्व किए मैं 66 अटेंड रहा था तो कौन सा दोनों में आपको जैसे कि आप देखे हैं अटेंडेंस आपका अंदर में कैसा था सर मेरे रूम में सर करीबन 22 या 24 मतलब सिस्टम था सर जिसमें बस 6 लड़का थे जी सर 50% के आसपास हो रहा है 50% हाँ अच्छा तो एक और चीज़ जैसे कहा जा रहा है कि अभी जैसे उनका द्वारा रिव्यू दिया गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी अब साइंस में आना कॉमन हो गया है ऐसा है क्या नो सर प्रीवियस ईयर से नहीं दे रहे सर प्रीवियस ईयर थ्योरी में से उठा के दे रहा है साइंस का क्वेश्चन साइंस के थ्योरी में हाँ थ्योरी में से आ रहा है किस तरह से प्रिपरेशन करेगा नया बच्चा ओवरऑल अगर आपको कहा जाए कि पेपर का अभी जो है लेवल क्या दिया जाए इजी मॉडरेट या हाई देखिए मिला जुला के ठीक था हाँ वैसे कर इजी टू मॉडरेट था सर इजी से मॉडरेट था सर कुछ क्वेश्चन बताइए देखिए इससे पहले भी सुने थे कि सीटिंग अरेंजमेंट पूछ रहा है तो आज वो 4-5 को पूछा था लेकिन चार को हम बनाए पूरा नॉर्मल क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट हाँ सीरीज था क्या सीरीज था नंबर सीरीज था नंबर सीरीज याद कीजिए तो सीरीज किस में था सर दुगुना करके प्लस 1 करो फिर दुगुना करके प्लस 2 जोड़ो फिर दुगुना करके 10 था 12 था 15 था ऐसे करके क्या था बोलिए 5 था 6 था 12 था ऐसे नहीं था 15 था उसके बाद दुगुना करके एक जोड़ो फिर दुगुना करके वैसे उसके बाद 15 के बाद खाली स्थान था
मतलब उसके बाद 20 था ऐसे ही करके था। एक क्वेश्चन ऐसे था 6 खाली जगह, 18 खाली जगह, 24 होता मतलब आंसर में, फिर खाली जगह 30, फिर खाली जगह 36, तो बीच में पूछा था कितना आएगा, 18 आएगा। मतलब सीरीज नॉर्मल था, कह सकते हैं? हाँ सर नॉर्मल था। सीरीज में कोई क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन था। करंट अफेयर सर थोड़ा आप हो सकते हैं टफ सा, नहीं मिला सर टकराया किसी से करंट अफेयर, लेकिन करंट अफेयर कहाँ का करंट अफेयर? 2022 का था, दिसंबर का क्वेश्चन था, दिसंबर का एक 2021 दिसंबर का एक क्वेश्चन था, बाकी जितना क्वेश्चन पूछा 4 से 5 क्वेश्चन 2022 का था, फरवरी मार्च का क्वेश्चन था। और जीके जीएस मतलब पढ़ाई किया जाए ग्रुप डी के लिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन? हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चन तो पॉलिटिकल साइंस से था। एक क्वेश्चन था सर पोखरण, पोखरण का था कि पोखरण में प्रथम मतलब कब विस्फोट, मतलब विस्फोट के बारे में कब हुआ था, 1974 1978 ऑप्शन था, ये था परमाणु निरीक्षण था प्रथम, ये कुछ था कब हुआ था, कुछ अवार्ड से था स्पोर्ट्स से। अभी जॉर्ज को कौन सा अवार्ड, मतलब क्वेश्चन था कि इस मतलब इस लेडीज को महिला को कौन सा अवार्ड मिला, मतलब 2021 दिसंबर में उसको अंजू बाबू जॉर्ज को एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का चुना गया, वो क्वेश्चन था। हाँ तो हिस्ट्री ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ज्योग्राफी से ज्योग्राफी था, एक नदी वाला क्वेश्चन था, एक नदी वाला था, और साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है? फिजिक्स से आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री था, बायो बहुत कम था, बायो बहुत कम था। तो फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल भी आ रहा है क्या? न्यूमेरिकल 2 से 3 न्यूमेरिकल था क्या? पी बराबर भी आए, वही से ओम नियम का जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू बी, हाँ वो वाला था, एक रेजिस्टेंस देकर करंट पूछा हुआ था सर। अच्छा रेजिस्टेंस देकर तो सिंपल ही था सर, सिंपल रेजिस्टेंस देकर तो सिंपल ही वाला था। ये तो सेम क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में यहाँ से आ रहा है, हम जैसे एनालिसिस कर रहे हैं। जी सर, जी सर, आप जैसे देखेंगे पिछला एनालिसिस तो आपको कैसा लगा? लगभग पैटर्न, पैटर्न लगभग सेम था। दर्पण वाला कुछ वहाँ से था, दर्पण लेंस से यहाँ से? नहीं दर्पण एक था क्वेश्चन, दर्पण से या तो परावर्तक किसमें हो सकता है, दर्पण दिया हुआ था, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ऐसे अवतल दर्पण करके था, हाँ एक था, ध्यान नहीं आ रहा है, परावर्तन हो जाए, परावर्तन नहीं हो, इमेज फॉर्मेशन बताना था क्या कि कहाँ पे इमेज बना? क्वेश्चन था इस समय किस दर्पण में परावर्तन का नियम लागू होगा, एक था गोलीय दर्पण, एक था समतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल, अवतल और उत्तल, इनमें से कोई नहीं था। हाँ लगभग पेपर आप लोग का एवरेज कह सकते हैं? हाँ एवरेज पेपर है। चारों जैसे आप लोग पार्ट देखे, आप देखिएगा अंदर में जो आप हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं तो आप क्या दोबारा इंग्लिश क्वेश्चन देख सकते हैं? हाँ सर, इंग्लिश हिंदी देखेंगे सर, बहुत क्वेश्चन है। क्या हिंदी में एग्जाम देखेंगे? हिंदी में सर दिए सर, बहुत क्वेश्चन सर, जिसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करके लैंग्वेज में बता गया जी, लैंग्वेज सर जिसको सर समझ में नहीं आ रहा था सर उसको हम अंग्रेजी करके देख लेते थे, अंग्रेजी करके देख। जी सर, देखिए दिक्कत यहाँ होता है कि मान लीजिए डिस्प्ले पे पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाता है, इसमें और दिक्कत होता है, जैसे थोड़ा सा रेलवे द्वारा ना इसको थोड़ा सा सुधार करना चाहिए, इसमें जो जूम आउट, जूम आउट कर देगा ना, आपका कंप्लेन नहीं है, ये सभी स्टूडेंट का जो है कि रेलवे द्वारा ये गलती जो हो रहा है, एक ही अगर है ना सिस्टम में तो सही रहता है, सही रहता है, तो देखने में भी ठीक है, आगे पीछे करने में समय लैप्स होता है, प्लस पेन उठाइए तो उसके बाद माउस पकड़िए सब कुछ में, क्योंकि क्या होता है हर एक टाइप से स्टूडेंट तैयारी करते हैं, सब आदमी का पूरा कंप्यूटर थोड़े बैठा है, जिसमें कंप्यूटर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, ऑफलाइन टेस्ट मारता है सबका, सब अपना अपना है, ऑफलाइन टेस्ट मारता है। और अंदर में तो कोई ऐसा खास कोई दिक्कत नहीं? नहीं अंदर में कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम विस्टम सब सही से काम कर रहा था। हाँ तो क्वेश्चन के हिसाब से कह दिया जाए कि आप लोग का मीडियम कह सकते हैं हम? जी हाँ मीडियम कह सकते हैं। तो बताइए सामने क्या कहना चाहते हैं, किस टाइप से तैयारी करें तो सब आ जाएगी क्या? सर सबसे पहले सर करंट में सर 2022 का जितना हो सके मार्च अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस 4 महीना का पड़े, क्योंकि इसी 4 महीना से करंट अफेयर ज़्यादा देखा गया सर। हाँ 2021 सर 21 का 9 के बराबर क्वेश्चन देखा गया। हाँ उसके बाद मैथ द्विघात समीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन था, द्विघात समीकरण सर मतलब हल्का ही क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था, मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, सिंपलीफिकेशन, सिंपलीफिकेशन से एक था क्वेश्चन था, मतलब एक क्वेश्चन था सिंपलीफिकेशन था, रूट था, रूट अंडर कितना था 625 माइनस 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 रूट अंडर का स्क्वायर था, यह तो रूट अंडर 625 था, माइनस रूट अंडर 324 था, उसके बाद नहीं प्लस 324 था, उसके बाद माइनस 33 का स्क्वायर था, हाँ माइनस 33 का स्क्वायर लिखा हुआ था, इसको सॉल्व कीजिए कितना। और यहाँ से अगर कह दिए एडवांस में से कैसा पोर्शन था? एडवांस में से एक क्वेश्चन था, तीन चार को से होगा ऊपर, इतना ध्यान नहीं है, एक आप लोग के हिसाब से एक बस सब जगह गड़बड़ रहा, सबका कंप्लेन आता है कि वो कंप्यूटर वाला जो है वो एक ही जगह सिस्टम में रहे तो वो सही बायां करेगा सर तो बायां छूट जाएगा, बायां करेगा सर दायां छूट जाएगा, ऊपर करेगा तो नीचे छूट जाएगा सर, रीजनिंग में ज्यादा प्रॉब्लम करता है, रीजनिंग में बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, ऊपर से पूरा सिस्टम समझ आया, वही ना था, मान लीजिए ऊपर में क्वेश्चन दे दिया आपको कि अगर सम है तो ऐसे कितनी संख्या है जिसके पहले सम है बाद में विषम है, तब गिनने के लिए आप नीचे में क्वेश्चन है ऊपर में जो अति दिया हुआ क्वेश्चन वो छूट गया, आप नीचे देखिए ऊपर देखिए लिखिए, इसमें ज्यादा समय टीसीएस में सही में ये जो भी भाई बोले टीसीएस को ये पैटर्न थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, काफी सारा स्टूडेंट परेशान हो जाता है इससे, और ये देख रहे हैं कि सिटिंग में कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है तो ओवरऑल लगभग मीडियम ही हम लोग कहते हैं क्वेश्चन, ठीक है तो लगभग आप लोग एनालिसिस देखे हैं तो देखिए बनाइए, ठीक है तो आगे जो है जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आज आपका जो है थर्ड शिफ्ट का आगे जो आपका नेक्स्ट अपडेट आएगा
कल सुबह में, लेकिन कल सुबह में है सबसे पहले हम लोग 8 बजे के करीब में, आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का काफ़ी डिमांड आ रहा है तो 8 बजे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज जो है आपके पास नहीं ले पाए हैं, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, और दूसरा बात की दिन भर सेंटर में थे तो पूरा थक चुके हैं, इसलिए कल सुबह में हम लोग लेंगे। और आप टेलीग्राम पर जाइएगा ना, अभी आपका जैसे एग्जाम जो समाप्त हुआ है तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और बिल्कुल फ्री में PDF मिलेगा आपको हर चीज़। अब जो है PDF आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, जो भी आपका क्वेश्चन आया है कल आपका इलेक्ट्रिसिटी करवाएंगे उसका भी जो है आपको फ्री में पूरा PDF मिल जाएगा। और ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन करेंगे जैसे कि इन्होंने कहा कि ओम्स लॉ से क्वेश्चन था, ओम्स लॉ से था, फिर आपका P=VI ये सब जो पोर्शन आ रहा है, फिर प्रतिरोध वाला से आपका आया हुआ था, ये सब जो आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है कल सुबह में हम लोग 8 बजे पक्का 8 बजे हम लोग कल सुबह में लाइव करेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, और ग्रुप डी की अगर आप तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर एक अपडेट के लिए। और आपको अंत तक जो है एग्जाम एनालिसिस के साथ जो भी आपको चैप्टर में दिक्कत होगा, आगे आपको जो भी चैप्टर में दिक्कत हो साइंस का, आप हमें कमेंट करें, हम आपका जो है उसका जो है एनालिसिस आपको करवाएंगे और डेली आपको 1 से 2 चैप्टर आपका कवर करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।